तो जैसी उम्मीद की जा रही थी आदिपुरुष फिल्म के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले मंडे को यानी अपने पहले टेस्ट को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्रैश हो चुकी है। फिल्म के जो अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं कलेक्शन को लेकर वो 75% की गिरावट देखने को मिलने वाली है। कलेक्शन में ऐसी खबर आ रही है, मैं हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड फिल्म में 3 दिनों में ओवरऑल कलेक्शन की बात बोल 340 करोड़ का, सच में बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया। लेकिन ऑफकोर्स ये प्रभास की स्टार पावर थी कि फिल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया इन 3 दिनों में। लेकिन जो पहला मंडे होता है, जो हर फिल्म के लिए एक पहला टेस्ट होता है कि फिल्म आगे सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं, उसमें ये फिल्म पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। फिल्म में 3 दिनों में हिंदी की बात करूँ तो लगभग 100 करोड़ कलेक्शन किया था, लेकिन 100 करोड़ कलेक्शन करने के बाद पहले मंडे को हिंदी में जो अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 8 करोड़ का कलेक्शन है, जो सच में बहुत ही सारा डिसअपॉइंटिंग है। फिल्म का बजट 600 करोड़ है और ये फिल्म अगर पहले ही मंडे को हिंदी में 8 करोड़ कलेक्शन कर रही है तो पब्लिक के लिए इस फिल्म को लेकर मन में कैसे भाव है आप खुद समझ सकते हैं। मैंने खुद फिल्म देखी है, पहली बार जब मैं पहला दिन के लिए गया था रिव्यू करने के लिए मैंने 2D में देखा था, उसके बाद संडे को क्योंकि मैंने एडवांस में टिकट बुक कर रखी थी फैमिली के लिए मैंने 3D में भी फिल्म को देखा। और 2D और 3D में बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं है, बल्कि 2D मुझको बेहतर लगा 3D के मुकाबले। 3D में तो स्क्रीन में सच में कुछ डार्कनेस कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। फिल्म सच में कुछ भी हो सकती है, एक फिल्म हो सकती है, लेकिन ये रामायण तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ही भगवान को अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ना ही वो भाव उत्पन्न होता है कि हम रामायण देख रहे हैं। और डायलॉग की तो बात ही मत पूछो, अब मेकर से कह रहे थे जितनी उनको गालियां पड़ चुकी है कि हम डायलॉग को चेंज कर देंगे, आपने ऐसे डायलॉग लिखे क्यों। ऊपर से इसके जो मेकर है वो इसकी सफाई भी दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी इस चीज को। जितनी भी उन्होंने हाइप बना के रखी ना, आपके मन में जितना भी आप गंदा से गंदा सोच सकते हो ना कि इन्होंने जितना भी क्या दिखा दिया रामायण के रूप में, लेकिन सच में जितना भी आप सोचोगे ना ये फिल्म उससे 100 गुना बेकार निकलेगी। आपको ये फिल्म आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करने वाली है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कम से कम बच्चों को तो दिखा सकते हैं, मैं बोलता हूँ बच्चों को भी मत दिखाओ, क्योंकि देखो इस फिल्म में ना सिर्फ गलत चीजों को दिखाया गया गलत तरीके से, और भगवान के ऊपर जो लैंग्वेज दी गई है, जो हनुमान जी को डायलॉग दिए गए, बच्चे देखकर क्या सीखेंगे, बच्चों को लगेगा हमारे भगवान ऐसी बात करते थे, तो गलत बच्चों के मन में भगवान के प्रति मेरे हिसाब से गलत मैसेज जा सकता है। तो ऐसी फिल्म में बच्चों को मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, इस फिल्म को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए। और अब तो ये भी सुनने को आ रहा है कि नितेश तिवारी रणबीर और आलिया को लेकर रामायण बनाने जा रहे हैं, फिर से इनका मजाक उड़ाना अभी बचा ही है आदिपुरुष के बाद भी। जब पब्लिक ने प्रभास को नहीं छोड़ा, जिनकी इमेज अच्छी है, पब्लिक उनको पसंद करती है, उसके बावजूद भी प्रभास को नहीं छोड़ा कि राम जी तो लग नहीं रहे, तो रणबीर और आलिया को पब्लिक इतने ज्यादा पसंद करती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो रायता इन्होंने ब्रह्मास्त्र में फैलाया था ना, यहाँ भी वही फैलाने वाले हैं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र 2 बना देंगे अपनी लव स्टोरी के चक्कर में। ये कैसी कास्टिंग है मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग क्या आपस में ही खुश रहते हैं, क्या पब्लिक के लिए कुछ करते ही नहीं है। मतलब कौन इमेजिन कर सकता है रणबीर को राम जी के रोल में और आलिया को, देखो दोनों ठीक एक्टर हैं, एज एक्टर उन काफी अच्छे हैं, मुझको इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ना जो एक शालीनता जो एक होनी चाहिए ना पर्सनैलिटी, वो मुझको नहीं लगता कि ये दोनों इतने बड़े एक्टर बन चुके हैं कि राम जी और सीता जी का रोल वो प्ले कर पाए। इन दोनों के में अंदर मुझको वो क्वालिटी नजर नहीं आती है। ऊपर से जो भी कर्मकांड अपने पहले किए हुए हैं, जैसे रणबीर का मुझे याद आ रहा स्टेटमेंट कि वो बीफ उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको क्या लगता है बीफ खाने वाले को पब्लिक राम जी के रोल में देखना पसंद करेगी। और आलिया कितनी ज्यादा टैलेंटेड आपको बताने की जरूरत भी नहीं, उनका नॉलेज कितना ज्यादा महान है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसी कास्टिंग है और ये फिल्म क्यों बनने जा रही है, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसी फिल्मों को तो तुरंत बॉयकॉट कर देना चाहिए सोशल मीडिया पे, मैं कम से कम वही करता हूँ, मैं तो अभी इसका बॉयकॉट करता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। बाकी आदिपुरुष की बात बोलूँ तो ये फिल्म नहीं चलने वाली, और अब तो उसको और कलेक्शन करना है, जितना कलेक्शन अब तक किया है ना उससे दुगना कलेक्शन करना है अपनी हिट होने के लिए, जो मुझे फिलहाल मुश्किल लग रहा है। बाकी मैंने इसका रिव्यू भी किया है आदिपुरुष का, आई बटन में लिंक दे दूंगा, और मैंने 10 फैक्ट्स भी बताए हैं जो मेरे हिसाब से आदिपुरुष में गलतियां थी जो होने चाहिए थे और फिल्म में नहीं थे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में, उसका आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना। वीडियो में फिलहाल मेरे इतना ही, बाय।